असल आज उम्मीद करता हूँ आप सब लो खरे से होंगे अलहमद मैं भी खरे से हूँ आप लोग फिर कहेंगे भाई एक नेगेटिव वीडियो क्रिटिसिज्म वाली वीडियो लेके आ गया तो क्या करूँ भाई मैं ऐसे वाक़त होते हैं तो फिर इन पर बोलना तो पड़ता है अब देख ले हारस राहू सब जो कि पी एस एल खेल रहे हैं लाहौर कलंदर की तरफ से और कामान गुलाम बेचारा एक नया प्लेयर आ रहा है नौजवान आया है लाहौर कलंदर में टैलेंट की बुनियाद पर आया वो और एक कैच उससे छूट गया है आप लोग वीडियो देखें उसके बाद फिर बात करते आगे Well, he's gone a long way up, this could be the first chance of the game tonight. It is the first chance and the chance goes begging. Up she goes, up she goes and into the hands safely this time. Fawad Ahmed is the man who's come into the side for the first time for Lahore Columbus tonight. takes कैच well. छूटने के बाद जनाब का रवैया देखें उस बेचारे छोटे का मन गुलाम प्लेयर के साथ देखिये कैसे ऐसे नाशे चाड़ी हुई है जैसे पता नहीं कोई इसने क्या क्या गुना कर दिया इसने और भाई होश के ना खलो होश के यहाँ पे शोरत भी जल्दी मिलती है और फिर ऐसे काम करने से ना उमर कमल और अहमद शहजाद से पूछने जाके अभी तक बेचारे वो तलवे चाट रहे वापस टीम में नहीं आ पा रहे ठीक है उनके भी यही चाल चलन थे जो आपके चाल चलन है ठीक है थोड़े से होश के तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैच छुट्टा कामरान गुलाम से जो कि होता रहता है क्रिकेट है गेम है इसमें ऐसे वाक्यात रोनमा होते रहते हैं लेकिन हारिस राउ का ऐसा रवैया कामरान गुलाम के साथ नहायत ही अफसोसनाक ही एक शर्म का मकाम है यार आप इंटरनेशनल टीम में खेल रहे हो पाकिस्तान की पाकिस्तान की नेशनल टीम में खेल रहे हो पाकिस्तान की नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आपको इखलाकी तौर पर इतना भी नहीं पता कि स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाह कैसे करना पड़ता है हमारे प्लेयर्स को मैं इसीलिए कहता रहता हूं कि इखलाक सिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत है इनको थोड़ा सा जब शोहरत मिलती है थोड़ा सा नाम मिलता है ना तो फिर ये अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और इसकी अब तीसरी चौथी मिसाल ये हारस राहुल सब देख ले क्या हो गया भाई कैच छूट किया तो कैच छूटे रहते हैं देखिए हासीनेली से भी तो कैच छूटा था कितने इंपॉर्टेंट मैच में तो किसी ने उसको जाकर थप्पड़ नहीं मारा था कुछ नहीं कहा था तो थोड़ा सा आप जो है वो अपने औकात मेरे हारो सब अभी देखें कुछ वाकत तो रन हुए हैं जो लोग अपने औकात से बाहर जाते हैं तो फिर जल्दी वो टीम से भी बाहर जाते हैं तो अगर आपने टीम में रहना है क्रिकेट में रहना है स्पोर्ट्स रहने आपने तो आपको इखलाकियात भाई सीखनी पड़ेगी तो पीसीबी से गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ना एक ऐसा शख्स रखे जो इनको इखलाक चीज़ें भी सिखाए कि अखलाकियात क्या होती हैं प्लेयर्स के साथ कैसे रवैया अख्तियार करना है ओपोजिशन के कैसे ओपोजिशन के साथ कैसे रवैया अख्तियार करना है तो बेचारा कामरण गुलाम एक नया टैलेंटेड लड़का आया कोई शक नहीं हारिस एस के पास टैलेंट है टैलेंट लेके आया वो लेकिन भाई इसको बरकरार रखना सबसे बड़ी बात है जो आपका एटीट्यूड होता है ना यही आपको यहाँ पे रखेगा और यही आपको जमीन के नीचे लेके जाएगा ठीक है तो अपना ख्याल रखें फिर से दोबारा जो वो नेगेटिव सपोर्टर्स हैं मेरे वो आ जाए जल्दी से कमेंट करें नेगेटिव और मुझे अच्छी अच्छी बातें सुनाएँ अल्लाह हाफिज़